बिहार में अक्सर लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं होती है या तो बहुत कम पूंजी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 बिजनेस आइडिया जो आप अपने गांव घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको पूंजी की जरूरत होगी, ना ही किसी डिग्री की आवश्यकता होगी। जरूरत होगी तो बस कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोहफा बिजनेस ब्लॉग में और मैं हूं आपका दोस्त सचिन सेठ। बताओ इंश्योरेंस एजेंट, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य है। किसी को भी अगर मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर सड़क पे उतारना है तो उसे अपने गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेना ही होगा और ये इंश्योरेंस हर साल करवाना होता है। वहीं कोरोना काल के बाद लोगों को जीवन बीमा का भी महत्व समझ में आया है। आज बहुत संख्या में लोग जीवन बीमा करवा रहे हैं, तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़कर अपने किसी घर के कमरे से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, ना ही किसी बहुत बड़े डिग्री की आवश्यकता होगी। रियल एस्टेट एजेंट के रूप में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के डेट में जमीन खरीद बिक्री एक बहुत बड़ा कारोबार है। आप अपने गांव घर में एक छोटा सा ऑफिस खोल लें और अपने गांव और आसपास के गांव में इसका प्रचार प्रसार कर दें। उसके बाद बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और बताएंगे कि भैया मुझे अपनी जमीन बेचनी है, कोई अच्छा खरीदार हो तो बताएं। वहीं कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि मुझे अपने गांव में जमीन खरीदनी है, कोई अच्छा जमीन हो तो बताएं। वहीं बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन की तलाश में गांव से शहरों में शिफ्ट कर जाते हैं और जब वो कुछ सालों बाद अपना जमीन बेचना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा खरीदार नहीं मिलता। वैसे भी लोग आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे मुझे अपनी गांव की जमीन खरीद बेचनी है, कोई अच्छा खरीदार हो तो बताइए। इस तरह आप इस रियल एस्टेट के बिजनेस से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेडिसिन सप्लायर, दवा के सप्लायर के रूप में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी दवा कंपनियां हैं वो शहरों में तो अपना माल सप्लाई करती हैं, मगर गांव में अपना माल सप्लाई नहीं करवा पाती। तो गांव के छोटे दुकानदारों को अक्सर पटना के गोविंद मित्तल रोड से अपने दुकान के लिए दवाई खरीदनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें दुकान भी बंद करना पड़ता है और अक्सर दुकान में कोई ना कोई दवाई खत्म हो ही जाती है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। तो आप इन अपने गांव के या आसपास के गांव के दवा दुकानदारों से जुड़कर उनसे ऑर्डर लेकर पटना से दवाई खरीदकर उन दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको भी अच्छा मुनाफा हो सकता है और उन दुकानदारों को घर बैठे ही दवाई मिल जाएगी। किराना दुकान में माल सप्लाई करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस तरह पटना के गोविंद मित्तल रोड से आप दवा खरीद कर अपने गांव में सप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह पटना के मारूफगंज और दलदली रोड से भी चावल, दाल, गेहूं, मसाले, ड्राई फ्रूट्स का सैंपल लेकर अपने गांव या आसपास के गांव के किराना दुकानदारों को सैंपल दिखाकर उनसे ऑर्डर लेकर उन्हें सप्लाई कर सकते हैं और इस बीच अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गारमेंट सप्लायर, कपड़ों के सप्लायर के रूप में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पटना के किसी बड़े होलसेलर से जुड़कर लुंगी, तौलिया, गमछा, टी शर्ट, पजामा, हाफ पैंट का सैंपल लेकर अपने गांव और आसपास के गांव के कपड़ा दुकानदारों को उसका सैंपल दिखाकर उनसे ऑर्डर लेकर उनको सप्लाई कर सकते हैं। इस बीच में आप अपना एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनमें से किसी भी बिजनेस में आप हाथ डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप कपड़ों के सप्लायर के रूप में ही बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको कपड़ों के बिजनेस का एक अच्छा अनुभव हो जाएगा और आपके पास अच्छी खासी पूंजी भी इकट्ठा हो जाएगी, जिससे आगे चल के आप अपना कपड़ों का दुकान खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तोहफा बिजनेस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।